नमस्ते मैं डॉक्टर शारदा डायरेक्टर एल बी आर डेंटल इम्प्लांट एंड फेशियल एस्थेटिक सेंटर हमारे ब्रांचेस हैदराबाद के मादापुर और हैदराबाद कॉलोनी में है आ, हम सभी खूबसूरत और तंदुरुस्त दांतों के लिए बहुत कोशिश करते लेकिन छोटी छोटी गलतियों के वजह से आ, ये दांतों का प्रॉब्लम फिर भी शुरू होता अक्सर मैं अपने पेशेंट्स में ये ऑब्ज़र्व करी कि आ, वो ब्रशिंग टेक्निक में बहुत गलतियाँ करते तो आज मैं ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जनरली ब्रशिंग क्यों करना चाहिए ब्रशिंग अपने मुंह में अटक गए खाना और जीवाणु रहते ना उनको क्लियर करने के लिए ब्रशिंग करते तो ये जीवाणु जो है अपने ये मसूड़ा है ना मसूड़े और दांत की जो जंक्शन है ना वहाँ पे ज़्यादा जमा होते ठीक है लेकिन लोग क्या करते हैं साइड टू साइड ब्रश करते हैं ऐसा ये एक टेक्निक है साइड टू तो साइड ब्रश करते साइड टू तो साइड ब्रश करने से क्या होता ये दांत तो साफ होते लेकिन जो बैक्टीरिया जो जीवाणु जो ये मसूड़े और दांतों के जंक्शन में है ना वो साफ नहीं होता तो ये तो ये तरीका करेक्ट नहीं है नेक्स्ट टेक्निक जो है ऐसा ऊपर नीचे ब्रश करते ठीक है ऊपर नीचे ब्रश करने से क्या होता ये जो बैक्टीरिया जो, जो गम के पास है ना वो ऐसा करने से ये जाके और ज़्यादा मसलों के अंदर हम पैक कर रहे हैं और, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट जो है ऐसे साइड से साइड करना वो गलत है ये ऊपर नीचे भी नहीं करना उससे भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते और एक ब्रशिंग टेक्निक क्या है ऐसा रोलिंग मोशन में करते ऐसा ऐसा रोल करते इससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं रहता मैं आज करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक आपको बताने वाली हूँ देखिए अब नीचे का जॉ ले लीजिए ये ब्रश को जो है 45 डिग्री में ऐसा मसूड़े और गम के पास ऐसा 45 डिग्री में ऐसे लगा के थोड़ा ऐसा रोलिंग मोशन करके ऐसा ऊपर करना तो एक एंड से शुरू करें तो एक कोने से शुरू करें तो ये कोने तक जाना तो पहले एक कोने से ठीक है आप लेफ्ट साइड से शुरू करें तो इधर ऐसा 45 डिग्री में ऐसा लगाना ऐसा रोलिंग मोशन करना फिर ऊपर करना सेम नेक्स्ट दांत को जाना ऐसे रोलिंग मोशन करके ऊपर ऐसे ये एंड से ये कोने से शुरू करे तो ये कोने तक एक्चुअली देखे तो दांत को रहते बाहर का सर्फिस अंदर का सर्फिस और जो चबाते ना वो सर्फिस ठीक है तो फर्स्ट जो है एक बाहर का सर्फिस कंप्लीट करना ऐसे रोलिंग मोशन करके ऊपर की तरफ नीचे का कर रहे ना तो ऊपर की तरफ तो क्या है ये ब्रश को मसूड़ों के ऑपोजिट साइड करना पड़ता ऐसा रोलिंग मोशन करके ऊपर ऐसा रोलिंग मोशन करके ऊपर ऐसा एक कोने से एक कोने तक खत्म करने के बाद फिर अंदर की तरफ जाइए सेम अंदर की तरफ भी ऐसा करना, 45 degree तो नहीं आप, 45 डिग्री पे लगा के मसूडे और गम के जंक्शन के पास ऐसे 45 डिग्री में ब्रश लगाना ऐसा रोलिंग मोशन करके ऊपर करना रोलिंग मोशन करके ऊपर ऐसा एक कोने से फिर एक कोने तक कंप्लीट करने के बाद दो सर्फेसिस कंप्लीट हो गए ना अभी ग्राइंडिंग सर्फेस जहां से चबाते ना वो सर्फेस ऐसा आगे पीछे आगे पीछे करे तो बस है ऐसा नीचे का कंप्लीट कर दिए ना तो ऊपर के तरफ जाइए ऊपर के जॉ के तरफ गए तो सेम टेक्निक 45 डिग्री ऐसा थोड़ा ऐसा रोल करके घुमा के नीचे करो घुमा के नीचे ऐसा सेम एक, से एक तक कंप्लीट करना तो एक सिस्टमैटिक एक टेक्निक फॉलो करो आप आई I मीन mean, एक एक साइड से शुरू करें तो एक साइड तक ठीक है तो बाहर की तरफ हो गया तो फिर अंदर की तरफ अंदर भी सेम ऐसा डिग्री पे लगा कि नीचे की तरफ फिर नेक्स्ट क्या है जहां से चबाते वो सरफेस ऐसा ब्रश करना ठीक है अक्सर लोग ये लास्ट दांत अकल दांत जो रहता ना वहां तक ब्रश नहीं करते इसीलिए मोस्ट कॉमनली अकल दांत में कीड़ लग जाता और एक बात क्या है ये आगे के दांत रहते हैं ना बाहर की तरफ तो ठीक अच्छा क्लीन करते हैं लेकिन अंदर के तरफ भूल जाते तो ब्रश को ऐसा लगा के नीचे के दांत को ऐसा लगा के ऐसे बाहर की तरफ करना ठीक है ऊपर के दांत है तो भी ऐसा लगा के ऐसे करना ठीक है ऐसा दो मिनट ब्रश करना ऐसे करने से ये एक्चुअल करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक है ऐसा करने से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आता और ब्रश करते वक्त ज्यादा कुछ थोड़े गलतियां करते उसके बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट जो है ब्रश टाइप ब्रश में क्या है तीन तरह के ब्रश रहते हार्ड मीडियम और सॉफ्ट ठीक है कभी भी हार्ड और मीडियम ब्रश यूज नहीं करना सॉफ्ट ब्रश ही यूज करना ठीक है कौन सा भी एज रहने दो छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग भी ओनली सॉफ्ट ब्रश यूज करना और ब्रशिंग टाइम दो मिनट से ज्यादा ब्रश करने की जरूरत नहीं है अभी मैं जो टेक्निक बताई ना वो ठीक तरह से फॉलो करे तो दो मिनट से ज्यादा नहीं लगता कुछ लोग थर्टी सेकेंड से ही करते कुछ लोग बहुत देर तक करते ऐसा नहीं करना ऐसे करने से दांत सफेद नहीं होते लेकिन घस जाते ठीक है फर्स्ट जो है सॉफ्ट ब्रश यूज करना सेकेंड जो है दो मिनट तक की ब्रश करना और एवरी थ्री मंथ्स तीन महीने को एक बार ब्रश को चेंज करना पड़ता ब्रश के ब्रिसल्स जो रहते हैं ना ये ब्रिसल जो है अगर खराब हो गए तो ठीक तरह से ब्रशिंग नहीं होता ठीक है तो इसीलिए ब्रश के ब्रिसल्स चेंज करना पड़ता नेक्स्ट जो है जेंटली ब्रश करना ऐसे डेलीकेटली ब्रश करना ऐसे रगड़ना नहीं और और एक बात मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है ये बाथरूम में ऐसे ब्रश को ऐसा खुला नहीं छोड़ना इसके ऊपर कवर नहीं कवर रहना नहीं तो कबोर्ड में लगा के रखना क्योंकि क्या होता अपने बाथरूम में फ्लश करते ना फ्लश करने के बाद जो उसमें से कीड़ निकलते हैं ना वो आ, एक रिसर्च के अनुसार सिक्स फीट तक सिक्स फीट के दूर तक जाते दूरी तक जाते तो वो कीट जो है आके इसके ऊपर बैठने के चांसेस रहते तो उसको कवर करके रखिए नहीं तो दूसरे रूम में स्टोर करो एंड इसके अलावा आप ब्रशिंग के अलावा फ्लॉसिंग करना आप सुने होंगे फ्लॉस बोल के रहता डेंटल फ्लॉस वो फ्लॉस के फ्लोस uh, के हेल्प uh, से दांत के बीच में क्लीन करना पड़ता है ये ब्रशिंग से क्या है सो ओनली ऊपर के ऐसे ये जो सरफेस दिख रहा है ना वो साफ होता लेकिन दांतों के बीच में जो जगह है वो ब्रश साफ नहीं करता उसके लिए फ्लॉसिंग करना पड़ेगा नेक्स्ट रिंसिंग uh, जब भी आप खाना खाते सुबह और सुबह तो कैसे भी ब्रश करते रात को ब्रश करते uh, बीच में जब कुछ भी स्नैक्स ऐसे कुछ खाए तो थोड़ा पानी में नमक डाल के अगर नमक वो सब नहीं मिला आप ऑफिस में है या कहीं बाहर है तो थोड़ा पानी लेके अच्छा खुली करे तो बेटर है ऐसे करने से क्या है मुंह में जो वो फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं ना खाने के पार्टिकल्स बच जाते हैं ना वो साफ हो जाते हैं ये सब ये इंस्ट्रक्शंस पूरा फॉलो करें तो आपको दांतों में कीड़ लगने के चांसेस बहुत कम रहते और अच्छे खूबसूरत और तंदुरुस्त दांत गारंटी ठीक है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए दबाइए थैंक यू